तरीके की चीजें कही, वो मेरे लिए जिंदगी की शायद सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि उस आदमी ने उसी कोख से जन्म लिया जिस कोख से मैंने जन्म लिया। और उस आदमी ने आके हर झूठ में इतना हाँ में हाँ मिलाया, वो सारी चीजें कही। मैं कभी अपनी माँ को इस तरीके से YouTube पर लेकर नहीं आता, अपनी माँ को इस तरीके से रुलाते हुए, लेकिन जिस शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि किस लेवल पे जाके आज इंसानियत भुला के, रिश्तों की मर्यादा लांघ कर आरोप लगाए गए हैं, झूठे सारे सवाल गढ़े गए हैं, मेरी पूजा पर शक किया गया है। माता रानी, ये अगर आज आप मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में, मेरी इंसानियत में आपको थोड़ी सी भी शक्ति रखती होगी, आपको इस चीज का इंसाफ जरूर करना होगा। यही मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं भी चाहता तो चुप रह सकता था। मैं अपनी माँ को इस हालत में, मेरी बीवी को इस हालत में मैं कभी नहीं लेके आता, लेकिन आज तो मैंने खुद बोली हूँ कि तू बना